अपनी क्षमता और आवश्यकता के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया है। थर्ड फेज ऑफ लिफ्ट कैनाल वर्तमान सरकार के पहले बजट में घोषणा किए जाने के बावजूद भी अब तक एक इंच भी आगे नहीं खिसक पाई। राजस्थान कैनाल में ड्रिंकिंग वाटर का जो कोटा है वो फिक्स्ड है। हालांकि समय की आवश्यकता और मांग यह है कि अब कृषि को दिए जाने वाले या कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले पानी को और ज्यादा जुडिशियसली न्यायपूर्वक खर्च किया जाए, पानी बचाया जाए और पीने के पानी को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन राज्य सरकार का आग्रह था कि जो बरसात के समय जब नहर के पानी की आवश्यकता नहीं होती उस समय का सरप्लस पानी जो एस्केप चैनल से छोड़ा जाता है उस पानी को यदि हम संग्रहित करने को भारत सरकार सहयोग दे तो उसे जो है लगभग 1100 MCM पानी इकट्ठा करके और इस उपयोग में लिया जा सकता है, पीने के पानी के प्रयोग में लाया जा सकता है। मेरे पास प्रतिवेदन विचार के लिए लाया गया था, राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारी आए थे, उन्होंने अपना विस्तृतिकरण दिया था। राजस्थान के 4 जिलों के लिए 1275 करोड़ रुपए की यह परियोजना स्वीकृत की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पेयजल हर घर तक पहुँचे इसके लिए संकल्पबद्ध है और हम राज्यों की सरकारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, कमिटेड हैं और संकल्पबद्ध हैं। लेकिन राज्यों को भी अपनी गति यथोचित बढ़ानी पड़ेगी। आज भी यदि मैं बात करूं, तो राजस्थान सबसे कम गति से काम करने वाले राज्यों में से एक है। निश्चित ही अब यह आवश्यकता है कि राजस्थान को अपने काम की गति को बढ़ाना चाहिए। अभी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ये तय करके बैठी है कि कांग्रेस की विश्वासघाती सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार को सिरे से उखाड़ करके फेंकने वाली है।